आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान। 13 दिसंबर 2001 को जब देश की पुरानी संसद पर आतंकियों ने हमला किया था तो इसे देखकर हर कोई दंग रह गया। ठीक 22 साल बाद यानी 13 दिसंबर 2023 को संसद पर आतंकी हमले की बरसी वाले दिन लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए दो लोग घुस आते हैं और लोकसभा को धुआं धुआं कर देते हैं। तारीख वही लेकिन संसद नहीं। जब सदन के भीतर लोकसभा में दो शख्स दर्शक दीर्घा से अचानक नीचे कूदते हैं और जूते से पंप निकाल कर स्मोक अटैक कर देते हैं, इसके बाद पूरे सदन में धुआं फैल जाता है और अफरा तफरी मच जाती है। ये स्मोक अटैक सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं होता बल्कि दो लोग बाहर भी मौजूद थे जिसमें से एक महिला भी थी। बाद में इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस हमले में किसी सांसद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर उठने लगे। आगे बता दें कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये पांच लोग 3 दिन पहले अपने अपने घरों से गुरुग्राम पहुंचे हैं और वहां पर अपने एक दोस्त के यहाँ पर रुकते हैं। इसके बाद दो लोग संसद के अंदर और दो लोग संसद के बाहर स्मोक अटैक करते हैं। पुलिस ने सदन के अंदर रंगीन गैस छोड़ने वाले सागर शर्मा लखनऊ और डी मनोरंजन मैसूर को तुरंत हिरासत में ले लिया, जबकि विरोध प्रदर्शन कर रहे अमोल शिंदे लातूर और अधेड़ महिला नीलम जिंद को सांसद से बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर से हिरासत में लिया जाता है। इसके अलावा गुरुग्राम से ललित झा के नाम का शख्स पांचवें शख्स के रूप में उठाया गया। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में इन संदिग्धों से पूछताछ कर रहे पुलिस दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी पांच संदिग्ध कथित तौर पर भगत सिंह फैंस क्लब नाम के एक फेसबुक ग्रुप का हिस्सा थे और पिछले एक साल से एक दूसरे को जानते थे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।